दोस्तों जानवी कपूर जो कि श्रीदेवी व बोनी कपूर की बेटी, इस वक्त बॉलीवुड का जाना माना नाम तो बन चुकी हैं, लेकिन बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में आपने काम भी किया है। तो वही जानवी कपूर के फैंस उनके आने वाली फिल्मों का जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक खबर जरूर लेकर आया हूं कि जानवी कपूर काफी लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म उलझ को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में भी थी, जो फिल्म के रिलीज डेट से पर्दा उठ चुका है। तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे आज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी में। वैसे फिल्म के रिलीज डेट पर पर्दा उठाने की बात करें, जिसमें जानवी कपूर की फिल्म उलझ जो गुलशन देवैया, रोशन मैथू ने सुधांशु सरिया के द्वारा निर्देशित राजनीतिक थ्रिलर फिल्म उलझ के बारे की बात कर दी है। एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के भूमिका में आपको नजर आने वाली है। और आज इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म में जानवी कपूर एक IFS के किरदार में आपको नजर आने वाली है। फिल्म उलझ आपको एक रोलर कोस्टर यात्रा पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जानवी कपूर द्वारा अभिनीत सुहाना नाम की युवा राजनयिक जीवन के इस फिल्म में दिखाया गया है। सुहाना सच में देखा जाए जो विश्वासघात, वफादारी, ये सिर्फ हम जैसे लोगों को फंसाए गए बनाने शब्द हैं। ये राष्ट्र सीमाएं तो बस रेत पर खींची गई मानो रेखाएं हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता, जैसे डायलॉग के साथ शुरुआत होती है। जानवी कपूर की फिल्म उलझ की जो शूटिंग थी, देखा जाए पिछले साल ही पूरी हुई थी। मूवी कास्ट की बात करें, राजेश तेलंग, मियांग चौंग, आदिल हुसैन, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र जोशी जैसे मुख्य किरदार आपको नजर आने वाले हैं। वैसे फिल्म के साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इससे पहले जानवी कपूर फिल्म उलझ के अलावा मिस्टर एंड मिसेस माही में आपको नजर आई हुई थी। इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा साहब ने किया था। तो आई होप की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा। हमारी मेहनत के लिए वीडियो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।